Hey guys, welcome back to my channel Gary Walker and आज हम लोग आ चुके हैं मजनू का डेला and so here is die hearted fan of Korean food Divyashree. So she is a die hearted fan of Korean food and आज हम लोग try करने वाले हैं क्या try करने वाले Korean food में क्या try करेंगे आज हम ramen and tteokbokki. So she said something जो कि मुझे समझ नहीं आया tteokbokki and ramen एंड शायद बबल टी भी अगर हमें मिलता है तो फिलहाल हम जा रहे हैं पीछे था तो बबल टी भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं. सो आज हमें एक रेस्टोरेंट मिला कौन सा गंगनाम खाने वाले हम गंगनाम और बुसान अभी तक सोचे नहीं जो मतलब हम लोग को सबसे ज़्यादा ठीक लगेगा वहाँ जाएंगे है ना. हाँ तो फिलहाल तो हमने गंगनाम देख लिया जो इसमें बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स भी चल रही है शायद वो लोग देख चुके हैं अंदर तो आई गेस शायद गंगनाम यही है मिला गंगनाम बड़ा happened? क्या हुआ बंद हो गया क्या गंगनाम गंगनाम ऊपर चढ़ के ही तो था अबे तो मोड़ तो होगा कहीं पे तो यार गंगनाम ढूंढते ढूंढते ऐसे लग रहा है गंगनाम ही हो गया गुमशुदा हो गया हम लेन पे कहीं पे भी गंगनाम रेस्टोरेंट में मिल रहा है तो अभी पूछ लेते हैं किसी से कि गंगनाम कहाँ पे गंगनाम कहाँ पे है गंगनाम सामने ही है सही हम गंगनाम सामने है तो अभी हम वापस आ रहे हैं तो ऊपर चढ़ के है गंगनाम रेस्टोरेंट चार पाँच बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे गंगनाम और बुसान दोनों मतलब वो बोले बहुत तरह तरह के हैं और गंगनाम भी ट्राई करने वाले हैं देखेंगे कि कौन से ज्यादा अच्छा लगे मेरे को मन कर रहा गंगनाम क्योंकि जब मैं यूट्यूब अच्छा सारे लोग गंगनाम ही जा रहे थे तो हम भी देख लेते हैं कि ऊपर चल के यार कहाँ हम लोग जाने वाले सीढ़ियों स्मेल भी ऐसे ही कुछ आ रहा है कैसे लगा मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को ऐसी जगह में बैठना है मतलब टेबल चेयर्स पे नहीं बैठना टिपिकल कोरियन जैसा लग रहा है मेरे को यार कोरियन में कुछ बताओगे हेलो हाय कैसे बोलते हैं कोरियन में हेलो हम लोग कैसे बोलते हैं अन्यंग ऐसे और थैंक यू बोलते हैं समिदा तो मैं ऐसे कोरियन सीखने वाली हूँ और यहाँ पे हम थैंक यू ऐसे ही बोलेंगे जैसे ये बोल रही है सो शी इज़ अ डाई हार्टेड फैन ऑफ कोरियन यार पता नहीं BTS भी पिंक लाइन नहीं क्या था ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक सो सारे कोरियन सॉन्ग भी आते हैं इसको आप भी कर सकते हो ये वाला जो साइड हमें मिला वो सारा क्लोज है And here we get the Christmas vibes. Here is Christmas tree. Oh, soothing vibes. This is love, na? Yes. ऐसे? Yes, I क्या नहीं नहीं बैठ आई गेस बैठ सकते हैं सो दिस इज हेयर वॉशरूम जो कि अलग सा दिख रहा है एंड हमें शूज रिमूव करके अंदर जाना है भाई मैं पूरी बूट्स उतार हूँ अपने ये क्या है मुझे पता नहीं था यस आई थिंक सो बट यार एक फोटो अंदर कैसा लग रहा है मतलब ना ऐसा लग रहा है मतलब इंडिया से सब लोग अपना पैर मोड़ मोड़ के बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना कैसे जैसे लोग नहीं बैठते मतलब ऊपर होके ऐसे कोई ऐसे बैठना हो नहीं तो आप कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते तो ये हमें सिखाने वाले हैं मतलब नहीं जिसको जो बैठना जैसे बैठना उनकी चॉइस है राइट अभी तक ऐसे रेस्टोरेंट में कभी विजिट किया है खान मार्केट में ऐसा रेस्टोरेंट था नहीं नहीं ना मतलब उससे काफी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे वो जो दूसरी चीज सुशी वो सबके लिए वो बेस्ट था या रैमेन वो की उस सबके लिए ज्यादा अच्छा है एंड मेरे को उससे ज्यादा अच्छा लगा
इसे 10 में से 10 मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, 2 पॉइंट्स नहीं वो तो कुछ तो होना चाहिए। मैं उसका रेट करी थी, मतलब मेरे को उसका कितना अच्छा लगा इसका, मतलब ये डिफरेंस नहीं बोल रही मैं, इंटीरियर वाइज इसके हिसाब से काफी अच्छा था, इसके हिसाब से ये वाला काफी बड़ा एरिया है ना, ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बेटर है। So even we have a Christmas tree here. Yes. Having a Christmas vibes over here. Two Christmas tree. Nahi, we can sit in order. So here we are ordering the food. Yahan pe aap log wine bhi try kar sakte hain. अभी ऑर्डर करेंगे ना तब भी पता नहीं क्या ऑर्डर होगा इसमें, क्या क्या ऑर्डर करें नहीं मन नहीं है, तो इसे टेस्ट करूंगी अगर अच्छा लगेगा तो फिर। जजमियांग है, फिर है आज हम ऑर्डर क्या करने वाले हैं, क्या समझ में आ रहा है इसमें, अच्छा लग रहा है कुछ, डिसाइड समथिंग फॉर अस। हां, डिसाइड समथिंग फॉर अस। आई थिंक टू ऑर्डर जजमियांग, वेज जजमियांग, इट इज बेसिकली कोरियन स्टाइल नूडल्स, ब्लैक बीन सॉस इट हैज, एंड आई रियली वांट टू ऑर्डर दिस वेजिटेबल किम्बाब। ये हमने वीडियो में देखा था ना, राइट, एक्चुअली में वैसे ही लग रहा है किम्बाब। एंड दिस द मेन थिंग, टुबुकी। ये क्या टुबुकी? दिस इज बेसिकली द राइस केक जो आप बोल रहे थे कि मेरे को खाना है, राइट? हां, द वेज टुबुकी राइस केक। मांडू सूप भी है। पापा सुनो ना, मांडू के साथ आ रहे थे पीछे पापा, नॉट फॉर सिंगल, एक हॉट पॉट बनाओ ना, हॉट पॉट तू, हर एक चीज रहती है, सब चीज रहती है, सब मिलेगी आपको। वो सबका मतलब एक तरह का मिक्स टाइप है। Actually, we wanted to add something to the order. Can you bring the chopsticks? Yeah. Did you do it? प्रेशर में खा नहीं पाएगी, मैं इसका ले ली, कुछ अलग सा ही लग रहा है। मेरे सामने किमची है, मेरे सामने सब है। यू हैव टू एंजॉय, यू आर बाउंड टू एंजॉय। तो कुछ पास्ता टाइप लग रहा है मुझे, पास्ता पास्ता नहीं है, चीज का बना हुआ है, चीज चीज का करते मैं कॉल मंदिर में मिलता है, लोग साग भी नहीं खाता ना, तो उसको भी कैंसर करती है। एंड इट्स अ स्ट्रगल गाइस, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, फिर कैसे करते। को पकड़ना नहीं आ रहा, टेस्ट टेस्ट क्या करोगे? मुझे लगता नहीं है कि ये मेरे पेट में जाने वाला है आज, शायद ही जाएगा। मैं 3-4 पीस खाती हूं, सो इट्स अ डाई हार्ड स्ट्रगल। नहीं, मैं कर लेती हूं, ये मतलब वो फिसल रहा है ना, ऐसे वो थोड़ा स्लिपरी है ना, उसमें कोटिंग है ना, तो आई गेस मैं कोई स्पून से खाना चाहिए। नहीं खाने से मतलब है, तो फाइनली मैंने अपना स्पून ले लिया है और मैं स्पून से ही खाने वाली हूँ, बहुत हो गया। एंड इट्स गोइंग ऑन माय टमी, ये पूरा प्लेट। दिस इज बेसिकली जजमियांग, this is the black bean sauce, okay, and this is the cucumber, then here is the noodles to ye kachchi hai, aise hi hai, aise hi hai, ye boil hai, matlab ye log casio type ko hota hai, ye jo sauce hai na isse mixing ho jati hai। ये कुछ मंचूरियन टाइप सॉस क्यों लग रहा है मेरे को? ब्लैक बीन सॉस है, थोड़ा कड़वा होता है ना, सोयाबीन हुआ ब्लैक, और एक इसने चिकन लगाया है, थोड़ा मिक्स कर लो बाबू को, ये नॉर्मल, ये ले लूंगा, पहले मिक्स फ्राई किया, और ये क्या है, ड्राई मैन, यही ले लो, मैं क्या बता, ये मेरे को लग रहा था ठीक है, खा दिया तो बाबू बुला के यहां।
ये इसका स्मेल अच्छा लग रहा है, तो फाइनली जो अभी तक हमने मंगाया था वो हमें कुछ समझ नहीं आया है। पहले टेस्ट कर ले वाला फ्रॉक मंगाना है पहले। हां नंबर देगा तो कैसे भाई, कैसा है कैसा है? इट्स काइंड ऑफ अ नूडल ओनली मेरे को लग रहा है। नूडल्स के साथ क्या हो रहा है? फाइनली मेरे को कुछ पसंद है वो है ये सूपी नूडल्स। शुरुआत में ना मेरे को भी तकलीफ हुई थी, मेरे को लगता है मैं 5 साल की तब से थी, पर अब ठीक है, अब तो अच्छी चीज है। ये है क्या चार तंदूरी रैमेन है, क्योंकि मैंने फोक से खाना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस अभी हमने ट्राई करा कोरियन फूड, जैसे आपने पूरे वीडियो में देख ही लिया होगा, एंड वी आर गोइंग टू हैव द इंडियन देसी फूड। यार कैसा लगा वो? जो आप सभी ने खाया होगा, मतलब किसी किसी ने खाया होगा कोरियन फूड में, मैं बोलती हूँ जब तक ट्राई नहीं की मत ही करो। मैं बोलती हूँ एक ही फूड ट्राई करो, एक वेज रैमन बोलो, वेज रैमन ना। इफ यू वांट टू एंजॉय कोरियन वाइब्स देन वेज रैमन इज द बेस्ट ऑप्शन। बस मैं बोलती हूँ प्लेन वेज रामेन करो, वही अच्छा था, अब कुछ अच्छा नहीं था। बबल टी, बबल टी, ओह सो फाइनली वी हैव अ स्टॉल फॉर बबल टी। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं बबल टी, बिकॉज उसको ट्राई करना है। दे आर ईटिंग मोमोज, बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है उनको समझ में, तो यहाँ पे ये लोग आ गए हैं मोमोज खाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग बबल टी भी ट्राई करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, ये वाला चटनी वाला बोल रहा हूँ, चटनी वाला मैं ये ले लेना तू यहाँ से, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो ना। कोरियन रेस्टोरेंट के बाद ऑर्डर करे जा रहे हैं मोमोज, वही कोल्ड कॉफी जूस टाइप का ही होगा ये, बस वो बबल इसका पतला सा पाइप पे आएगा। साबूदाना में चॉकलेट वाला शेक डाला हुआ और कुछ नहीं। साबूदाना ही ना, तो खुद ही बोल रहा है। कैसा है बबल टी पी के, कैसे लग रहा है सक्षम? साबूदाना टक गया। साबूदाना टक गया। कुछ भी कहो, सक्षम की वीडियो में फोटो मतलब अच्छा फेस आता है, फेस कटिंग अच्छी है ना। ओहो बेकार बोलिए तो बेकार बोल रहे हो ना, उल्टा क्यों बोलते हो? नहीं यार अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग मजनू का टीला छोड़ के जैन चावल वाले पे आ गए हैं, एंड यहाँ की भीड़ ऐसे बहुत भीड़ है, और अभी हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी बैंड बच चुकी थी कोरियन रेस्टोरेंट में। छोले छोले हम लोग ना मतलब कोरियन रेस्टोरेंट गए थे मजनू का टीला, एंड भाई हम लोग का इतना एक्साइटमेंट था, कितना मजा आया, सब खत्म हो गया। खत्म मतलब मेरे को साउथ कोरिया जाने का मन था, वहाँ पर भी नहीं जाने का मन, पूछो मत। और अभी तो इतना भर भर के ऑर्डर है, मतलब वहाँ से हल्का सा पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, मतलब खाए हम लोग ऐसे नहीं कि नहीं खाए, थोड़ा सा खाए, मतलब एक पीस जो भरा नहीं। हाँ अब यहाँ से हम लोग ट्राई करने वाले हैं, पेट भर जाएगा खाने का। हाँ बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत भूख लग रही है, और अभी हालत तो वैसे भी दिख ही रही है, अब बहुत भूख लग रही है।
कौन कौन आंटी? अच्छा और मेरे भाई को बहुत ठंड लग रही है, उसको देखो वो अपनी सीट लेके बैठ गए अंकलों की तरह। सब देख लीजिए मैप्स भेज रहे। मैंने भी ऐसे ही भैया से एक मैप लिया था जो कि मेरे रूम में लगा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स होना पड़ रहा है जो सबके लिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है ना मेरा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट में, बट अगर आप उसे और अच्छा पढ़ोगे, मतलब जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी है उसमें पढ़ोगे तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है। एक पनीर परांठा, एक छोले चावल और एक छोले भटूरे भी आए हैं। मतलब हम सारी पेट पूजा यहीं पे करने वाले हैं। क्या है ये छोले चावल और ये आपका पनीर परांठा? मेरा सब्जी किधर है? सब्जी नहीं आया इसमें? नहीं सब्जी था उसमें, बटर दिया नहीं, बटर भी नहीं दिया उन्होंने, बटर